गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप ऑल आर वेल। यस बेटा, ओपन योर पंजाबी बुक, टेक इट योर पेंसिल, ओपन लैसन 14, लैसन नेम पिंड दी सैर। बेटा, इस लैसन दे विच आपां नूं पिंडां दे रहन सहन बारे ते खान पीन बारे दस्या गया है कि जिहड़ा पिंडां दा वातावरण है कि उह शहर दे वातावरण नालों किन्ना ज़्यादा साफ हुंदा है ते शुद्ध हुंदा है। तो उत्थों दा जिहड़ा खान पीन है, मतलब आपां जिहड़ा पिंडां च खान पीन है जिहड़ा, उह शहरां दे खान पीन नालों प्योर हुंदा है। इस बड़े इस लैसन दे विच दो फ्रेंड हुंदे उह शिमले इकट्ठे होस्टल दे विच पढ़दे है, तो जगदीप जिहड़ा जलंधर दे नेड़े एक पिंड दे विच रहिंदा, मोहित एक सिटी का बच्चा है, वह की कहिंदा जगदीप नूं कि इस बार गर्मियां दीआं छुट्टियां मैं तेरे नाल तेरे पिंड जावांगा। तो वह पिंड दे विच आ के पिंड दा खुला वातावरण देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हुंदा, बहुत ही ज़्यादा हैरान हुंदा है। हुण इस लैसन की भूमिका देखो, कहिंदे इस पाठ विच दस्सिया गया कि पिंडां दे लोकां दा रहन सहन अते खाण पीन किस तरह दा हुंदा है। उद्देश की है इस लैसन का, कहिंदे इस पाठ का उद्देश बच्चों नूं पिंडां दे साफ सुथरे वातावरण तो जाणू करवाउणा है। मोहित अते जगदीप शिमले दे एक पब्लिक स्कूल दे होस्टल विच इकट्ठे रहिंदे सन। होस्टल मतलब कि उस स्कूल दी उह थां जिथे बच्चे पढ़न वास्ते रहिंदे आ, मतलब पढ़न पिछों वी उत्थे रहिंदे आ। मोहित दिल्ली रहिण वाला सी अते जगदीप जलंधर दे नेड़े दे एक पिंड विच रहिंदा सी। नेड़े मतलब कोल, की सी कि उह दोवें जाने बेस्ट फ्रेंड सीगे, ते जिहड़ा मोहित सी उह दिल्ली दा रहिण वाला सी, ते जिहड़ा हैगा सी जगदीप उह जलंधर दे नेड़े एक पिंड विच रहिंदा सी। हुण देखो बेटा, दिल्ली दा एनवायरमेंट एक तां बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है उत्थे, और उत्थे की हुंदा है कि जिवें हुण अपने पिंडां दे विच की है कि वातावरण बिल्कुल खुला, अपने घर भी बहुत ज़्यादा खुले खुले हुंदे आ। उत्थे बेटा की है कि फ्लैट्स बने हुंदे आ, फ्लैट्स दे विच की हुंदा है कि जिहड़ा अपना ग्राउंड फ्लोर है उह किसे होर दा हुंदा है, फस्ट फ्लोर किसे होर दा, सैकेंड मीनस कि उत्थे ऑलमोस्ट अपनी किसे दे घर दी छत भी जिहड़ी हुंदी है उह अपनी नहीं हुंदी, उह किसे होर दा घर हुंदा। इस लई की है कि दिल्ली वाले जदों भी पिंडां दे विच आउंदे आ ते उहनां नूं की है कि अपना पिंडां दा एनवायरमेंट बहुत ही ज़्यादा वधिया लगदा। कहिंदे जद गर्मियां दीआं छुट्टियां होईआं तां जगदीप ने मोहित नूं कहा, तूं मेरे पिंड चल, मैं तैनूं अपना पिंड दिखावांगा अते अपने पिंड दे खेतां दी सैर करावांगा। कहिंदे जो गर्मियां दीआं छुट्टियां होंदीआं तां जगदीप मोहित नूं की कहिंदा, तूं मेरे नाल मेरे पिंड चल, मैं तैनूं अपने पिंड दीआं पिंड दिखावांगा ते नाले खेतां दी सैर करावांगा। मोहित ने अपने पापा नूं फोन करके जगदीप दे नाल उसके पिंड जाण दी आग्या लै ली। आग्या दा मतलब कि इजाजत। मोहित ने की कीता, अपने पापा नूं कॉल कीती ते जगदीप दे पिंड जाण दी परमिशन लै ली। जगदीप दे पापा उन्हां नूं कार राही पिंड लै गए। जगदीप दा घर बहुत वड्डा सी। जगदीप दी मम्मी ने दोहां नूं घर दीआं बनियां पिन्नियां खवाईआं। इन्नियां स्वाद पिन्नियां मोहित ने पहलां कदे नहीं सन खादियां। ਕੀ ਸੀ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਖਵਾਈਆਂ। ਪਰ ਕੀ ਸੀ, ਮੋਹਿਤ ਨੇ ਕਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸਵਾਦ ਪਿੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਗਦੀਪ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਮੋਹਿਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਉਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਜਨ ਚਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੋਹਿਤ ਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਤਲਬ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਗੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਹਿਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਥੇ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਿੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੋਹਿਤ ਜਗਦੀਪ ਦੇ ਪਿੰਡ 4 ਦਿਨ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਆ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਮੋਹਿਤ ਸਿਰਫ 4 ਦਿਨ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲੈਸਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪਾਠ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਉਹ ਟਿਪੀਕਲ ਹੈ, ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਫ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ,
पर जिहड़ा इनवायरमेंट है पिंड अपने विलेज का तो सिटी का बहुत ज़्यादा वो डिफरेंस होंगे। सिटी का इनवायरमेंट जो ज़्यादा पोल्यूशन होंगे वो और जो अपने विलेज का होंगे इनवायरमेंट वो क्लीयर होंगे साफ होंगे। यस बेटा यू रीड दिस लैसन। थैंक्स हैव अ नाइस डे।